आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने गद्यांश दे रखा है, चलिए उसे पढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की। उनकी एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतपोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया, किंतु उनकी प्रणीति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अनंत अपने अंततः अपने पति के समान सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस, एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग के प्रवर्तक एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ, कोतूहल, सकलंत्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचयिता और अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। यह अपना एक गद्यांश और इससे संबंधित प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अपने विकल्प है राजपत्र, गजट, समाचार पत्र में, सूचना पट्ट पे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं अधिसूचना। अधिसूचना होती है एक विशेष प्रकार की सूचना। जो विशेष सूचना होती है उसे ही अधिसूचना कहा जाता है, और इस सूचना का जो प्रकाशन है वो राजपत्र में होता है। राजपत्र या गजट, जिसे अपने गजट बोलते हैं, इसमें होता है। और यह जो राजपत्र किसका हो सकता है, यह भारत सरकार का हो सकता है, भारत सरकार का हो सकता है, अन्य किसी भी सरकार का यह राजपत्र हो सकता है। तो विशेष सूचना या अधिसूचना का जो प्रकाशन है वो राजपत्र में किया जाता है। समाचार पत्र क्या होता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के समाचार आते हैं, भिन्न प्रकार की खबरें छपी होती हैं, खबरें छपी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वह समाचार पत्र कहलाता है। और सूचना पट्ट वो होता है जहां पर सूचना चिपकाई जाती है, सूचनाएं चिपकाई जाती हैं, वो होता है सूचना पट्ट। तो यहाँ अपने प्रश्न का सही उत्तर अपना विकल्प नंबर एक हो जाएगा, राजपत्र। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।